गाइज आम तौर पर अगर उधार देने वाला भूल जाए तो बहुत ही कम लोग ऐसे ईमानदार होते हैं जो कि खुद से उधार चुकाने की सोचते हैं। लेकिन एक शख्स ऐसा भी है जो 68 साल पहले की 28 रुपए की उधारी को चुकाने अमेरिका से भारत आया। जी हाँ गाइज आप ठीक सुन रहे हैं। दरअसल हरियाणा के रिटायर नौसेना कमोडोर BS उप्पल ने साल 1954 में एक दुकानदार शंभू दयाल बंसल से 28 रुपए का सामान उधार में लिया था। उसी दौरान उन्हें बाहर जाना पड़ा था क्योंकि उनकी जॉब नेवी में लग गई थी, इसी कारण वो उनका कर्ज नहीं चुका पाए। लेकिन जब वो 68 साल बाद लौटे तो उन्होंने 28 रुपए उधार के बदले 10,000 रुपए चुका कर अपना कर्ज उतारा। गाइज क्या आप भी उधार चुकाने के लिए ऐसा करते? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलोन मस्क अपने ट्वीट्स के जरिए हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने एक हैरान करने वाला ट्वीट किया है। टेस्ला के CEO और अरबपति एलोन मस्क नौकरी बदलने की सोच रहे। जी हाँ गाइज आप ठीक सुन रहे हैं। मस्क ने एक ट्वीट के जरिए लिखा कि मैं अपनी नौकरी छोड़कर इन्फ्लुएंसर बनने की सोच रहा हूँ। मस्क के इस ट्वीट के बाद तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आने लगी और इसी बीच अमेरिकी यूट्यूबर जिमी डोनाल्डसर यानी कि मिस्टर बीस्ट ने ट्वीट पर रिप्लाई करते हुए लिखा कि मैं आपको यूट्यूब पर ज्यादा व्यूज लाने के तरीके बताऊंगा। इसके बाद जवाब में मस्क ने हाथ जोड़ने वाला इमोजी बना दिया। गाइज आपको क्या लगता है कि एलोन मस्क अगर यूट्यूब पर आए तो वो किस तरह का चैनल खोलना पसंद करेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइज अपनी बेटी की प्राइवेसी को लेकर विराट और अनुष्का हमेशा से बेहद प्रोटेक्टिव रहे थे और वे नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी की तस्वीर लोगों के सामने आए। लेकिन भैया इतने बड़े सेलिब्रिटी की बच्ची कैमरे से ज्यादा दिन कहां बचने वाली थी। और ऐसा ही कुछ हुआ साउथ अफ्रीका के केपटाउन में, जहां भारत और साउथ अफ्रीका के क्रिकेट मैच के दौरान अनुष्का के साथ जैसे ही उनकी बेटी वामिका ने पापा विराट को चीयर करने के लिए ताली बजाई तो कैमरामैन ने तुरंत अपना कैमरा वामिका की ओर कर दिया और वामिका को कैमरे में कैद कर लिया। जिसके बाद तो क्या ही था, जिसके बाद ये फोटो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई। गाइस क्या आपने भी इन वायरल फोटोज को देखा है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही अमेजिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अमेरिका के सबसे बड़े बिजनेसमैन जॉन डी रॉकफेलर ने एक बार कहा था कि वो अपने खुद के प्रयासों से 100% कमाने की बजाय 100 लोगों के प्रयासों से 1% कमाना ज्यादा पसंद करेंगे। जी हाँ गाइज उनका इशारा शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट की तरफ था। दरअसल जॉन डी रॉकफेलर ना सिर्फ अमेरिका के बल्कि दुनिया के भी सबसे पहले अरबपति थे। रॉकफेलर ने साल 1870 में स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी की शुरुआत की थी और उस समय वो ऑयल कंपनी के सबसे बड़े शेयर धारक थे। इसी वजह से उन्होंने अपनी संपत्ति में कई गुना इजाफा किया था और अरबपति बन गए थे। सो गाइज अगर आप भी शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डीमैट अकाउंट के लिंक्स गिवन है, फटाफट से डीमैट अकाउंट खुलवाइए और अपनी इन्वेस्टमेंट आज से ही शुरू। 1970 में नेस्ले कंपनी ने जापान में कॉफी बेचना शुरू किया, लेकिन तब वो अपने इस बिजनेस में बुरी तरह असफल हुए। वजह ये थी कि जापान के कल्चर में लोग चाय को बहुत पसंद किया करते थे, इसलिए वो कॉफी के स्वाद से जुड़ नहीं पा रहे थे। लेकिन इसके बाद नेस्ले ने कुछ ऐसा किया कि जापान का पूरा कल्चर ही बदल दिया। दरअसल नेस्ले ने कॉफी फ्लेवर की एक कैंडी लॉन्च की, जिसके कारण जापानी लोगों को कॉफी के टेस्ट की आदत लग गई, जिसके बाद कॉफी पूरी तरह से जापान के कल्चर का हिस्सा बन गई। और आज 50 साल के बाद जापान हर साल कॉफी पर 1.5 लाख करोड़ खर्च करता है और इस तरह जापान में सबसे बड़ी कॉफी कंपनी नेस्ले बन गई। अब हमारे YouTube के वीडियोस YouTube से भी पहले देखें हमारी A2 ऐप पर। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, डाउनलोड राइट नाउ।